यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज प्रदेश भर में हरेला महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी में रांची स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया कि वो भी आज के दिन में एक पौधा अवश्य लगाएं और उस पौधे की देखभाल वो अपने बच्चों की तरह करें। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार द्वारा इस वर्ष 2 करोड़ के लगभग पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। इसके साथ ही हरेला पर्व के उपलक्ष्य में रोजगार मेले का आयोजन भी पाबो ब्लॉक में किया गया, जिसमें बेरोजगार युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ग्राम सभा डोम हरेला ग्राम प्रधान बिमल डोभाल, अनिता जोशी, चंद्रकांता डोभाल, मनीष कुमार, संदीप कुमार, रचना डोभाल, विनीता काला, आरती डोभाल, बसंती देवी सहित तमाम ग्रामीण मौजूद थे। उत्तराखंड के लोक संस्कृति का एक अभिनंदन है, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हरेला को एक जन आंदोलन बना दिया है। आपने देखा होगा कि जब मैं प्रभारी मंत्री था अल्मोड़ा का, तब कोसी पुनर्जन्म के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और 1 घंटे में 1,76,000 वृक्षारोपण किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम आया। और अब हरेला में लगभग 2 करोड़ वृक्षारोपण करने का टारगेट हमारी सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि ये हो भी जाएगा। आज आप लोगों के द्वारा पौधों का वृक्षारोपण हुआ जी, इसके बाद भी और पौधे लगाने हैं आपको जी? कितने लगेंगे अभी? लगभग लगभग 100 पेड़ और लगेंगे। और लगेंगे इसी जगह पे जी? हाँ, इर्द गिर्द भी लगेंगे। अच्छा, आसपास भी लगेंगे ना अभी? ठीक। इस जगह पे पहले भी वृक्षारोपण हुआ था ना जी? पहले कितने पौधे लगाए गए होंगे? करीब 300। उसमें लगभग जीवित तो सभी थे जी? नहीं, 25-30 के करीब मृत हो गए। अच्छा, 25-30 के करीब। चलो ठीक, धन्यवाद। पौड़ी से यूके लाइव के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।